ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो उडान गुरुडं णमो विज्ञा सायरं। पेज नंबर 179। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन चल रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ बदल रहा है। प्रतिफल तपन का, तप रही है धरती चारों तरफ, बस तपन है तपन है तपन है, बह रही है, छूने में तपन है, चलने में तपन है, सब जगह तपन ही तपन है। हरिता हरी वह किससे, हरी की हरिता फिर किस काम की रही, लचकती लतिका की मृदुता, पक्क फलों की मधुता किधर गई सब ये। यह वह मंद सुगंध पवन का भाव, हल्का सा झोंका वह फल दल दोलायन कहां, फूलों की मुस्कान पल पल, पत्रों की करतल तालियां, श्रुति मधुर श्राव्य मधुप जीवी, अली दल गुंजन कहां, सीत लता की छुवन छुपी, पीत लता की पलित छवि भी, पल भर भी पली नहीं, जली चली गई कहां पता ना चला, यहां पल रही है केवल तपन तपन तपन। कितनी सुंदर पंक्तियां। अरे कहां चली गई, कौन? बसंत की मधुर मधुर स्मृतियां। महाराज कह रहे हैं देखो समय बदलते देर नहीं लगती, क्या से क्या हो गया। इसलिए ये पंक्ति जीवन में महामंत्र के रूप में याद होनी चाहिए। क्या? सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं, हरी हरी वह किस से, हरिता जो चारों तरफ हरियाली थी, वो हरी भरी लताएं, हरी हरी मतलब नष्ट वह किस से, किसने हर ली, तपन हर के ले गई चारों तरफ, वसंत ऋतु में हरी हरी पत्तियां चारों तरफ बिखर गई थी, सब समाप्त तो हो गई। हरी की हरिता फिर किस काम की रही, सब सूखकर पीली पड़ गई, जितनी पत्तियां बची थी सब पीली पड़ गई, तो हरी की हरिता फिर किस काम की रही। और क्या कहते हैं, सुनो आगे, लचकती लतिका की मृदुता कहां गई, पूछ रहे हैं, जो लताएं लचक रही थी यहां वहां पेड़ों पर सब शांत पड़ गई, अब बढ़ नहीं रही हैं, अब हवाएं नहीं चल रही हैं, सब सूख गई शांत हो गई हैं, पक्क फलों की मधुता किधर गई सब ये, जो पेड़ों पर फल फल रहे थे पके फल, उनकी मधुरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। वह मंद सुगंध पवन का बहाव, हल्का सा झोंका वह फल दल दोलायन कहां, अरे मंद मंद हवाएं चल रही थी, उसमें सुगंधित सुगंधित फूलों की सुगंधित सुगंधित हवाएं मिक्स होकर चल रही थी, कहां गई, खत्म हो गई। हल्का सा झोंका वह, हल्के हल्के से झोंके आते टच करके और चले जाते, बड़ा आनंद आ रहा था, सब समाप्त तो हो गया। फल दल दोलायन कहां, अरे बहुत सारे एक साथ फल फल रहे थे और उनका समूह देखने में आ रहा था, सब समाप्त तो हो गया, झूल रहे थे वो पेड़ों पर सब समाप्त तो हो गए। और क्या हो रहा, फूलों की मुस्कान कहां गई, सैकड़ों फूल आए थे वसंत ऋतु में, चारों तरफ उनकी मुस्कान बिखरी थी, वो सब समाप्त तो हो गई। पल पल पत्रों की करतल तालियां, पल पल अर्थात एक एक क्षण के लिए क्या होता था, पत्तों का पत्तों से टकराना होता था, तो ऐसा लगता था जैसे पत्ते मिलकर करतल मतलब तालियां बजा रहे हों। वो कैसी थी, श्रुति मधु श्राव्य, सुनने में कैसी लग रही थी, सुनने में श्रुति मधुर अर्थात सुनने में बहुत सुंदर अनुभूति देने वाली थी। और मधुप जीवी, मधु सी जिनका जीवन है, मधु से जो जीते हैं,
अर्थात फूलों की पराग से जिनका जीवन चलता है, ऐसे छोटे छोटे वे अली दल अर्थात भौरों के समूहों की गुंजन कहां। वे भौरे एक साथ मंडरा रहे थे उन फूलों पर, तो उनकी गुंजन सुनने को मिल रही थी। अब वो कहां गई पता नहीं। और शीतलता की छुवन छुई, पीतलता की पालित छवि भी, पल भर भी पली नहीं, जली चली गई कहां पता ना चला। सोचो क्या विचित्रता है संसार की। ये पंक्तियां संसार की विचित्रता दिखला रही हैं। एक क्षण में सब चला गया, क्या हुआ? अरे सुनो, शीतलता अर्थात शीतलता की अनुभूति अब नहीं हो पा रही। क्या हुआ? शीतलता की छुवन छुपी, पीतलता की पालित छवि भी। पहले तो वे सब जो सब शांति को देती थी, वे सब पीली पड़ गईं, और पीली देखते ही देखते सब जल गईं अर्थात सब समाप्त हो गईं। हमने जिनको हरा देखा था, जिन्हें छूने पर शांति मिलती थी, वे सबके सब सूख गए, सबके सब समाप्त हो गए। बसंती जी कह रही, हमको तो बसंती का अंत देख के भी अंत नहीं है, अभैराग्य नहीं आ रहा। हाँ इसको पढ़ो, जब आप वैराग्य भावना पढ़ते ये ग्रंथों में किसी भी महाराज की, जब लोकांतिक देव आते हैं वैराग्य भावना को, ये पंक्तियां चलती हैं। वो भी महाराज ने मानो वैराग्य भावना लिख दी, वैराग्य भावना है। एक क्षण में बसंत नष्ट हो गया, ऋतु परिवर्तन हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। कहां तो महिमा थी कहां गई, कहां चली गई पता नहीं। मूक माटी महाकाव्य है, इसकी रचना तो मूलतया हिंदी भाषा में ही हुई है, लेकिन महाकवि की महिमा और शब्दों की प्रभावकता देखकर इसे अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, पद्यानुवाद किया गया, उसको ट्रांसलेट करके अनुवाद किया गया। अभी तक जो मेरे देखने में अनुवाद आए हैं, एक तो आसमीज में है, पंजाबी में है, संस्कृत में अभी काम चल रहा है, और प्राकृत, अपभ्रंश और उर्दू, गुजराती, पंजाबी, इतनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हो चुका है। इंग्लिश में दो प्रकार का ट्रांसलेट है, एक साइलेंट अर्थ के नाम से है और एक साइलेंट क्ले नाम से है, द साइलेंट क्ले, ऐसे दो अनुवाद उसमें भी उपलब्ध हैं अंग्रेजी में। अब आगे उसी के आगे कहते हैं, यह राग कहां, वह राग कहां, पराग कहां, चेतन का वह जाग कहां, वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह ग्राह नहीं, वह गहक नहीं, वह वी कहां, वह कवि कहां, मनु मंजू किरणधर वह रवि कहां, वह अंग कहां, वह रंग कहां, अनंग का वह व्यंग कहां, वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, चेतन की छवि छाव नहीं, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। क्या पंक्तियां लिखी है, दीवाने हो जाओ महाकवि के। हाँ कल महाकवि का महामहोत्सव है, हमको उसका भी कुछ करना है। हाँ क्या करना वो हम विचार करेंगे। ये राग कहाँ पराग कहाँ, वो राग प्रकृति के प्रति आकर्षण समाप्त तो हो गया, वो पराग कहाँ, तो फूलों में पराग थी, सुगंध थी, सब समाप्त तो हो गई। चेतना का वह जाग कहाँ, चेतना की जागृति समाप्त तो हो गई। ऐसी गर्मी है कि कुछ नहीं किया जा रहा, सब समाप्त तो हो गया। वह महक नहीं, वह चहक नहीं, अब फूल महक नहीं रहे और चिड़ियां चहक नहीं रही, दूर दूर तक ना फूल दिख रहे हैं ना चिड़िया दिख रही है। वह ग्राह नहीं, वह गाहक नहीं, अरे ना कोई ग्रहण करने वाला है और ना ही कोई गाहक है, दोनों नहीं है। तन को सुख देने वाला ग्राह नहीं, ग्रह करने वाला, और गाहक अर्थात ग्रहण करने वाला, दोनों नहीं है। तन को सुख देने वाली किरणों वाला सूर्य कहाँ चला गया, उसके विषय में आगे कहते क्या कहते। वह बी कहाँ, वह रवि कहाँ, और वह कवि कहाँ, मंजू किरणधर वह रवि कहाँ, जो सुंदर सुंदर किरणों को धारण करता था, मंजू मतलब सुख देने वाला,
तो जो शरीर को सुख देने वाला रवि था उसकी किरणें कहाँ गई, और वह बी कहाँ और कभी कहाँ, या बी की जगह कुछ और होना चाहिए था। बी का अर्थ वैभव लिया है, वैभव, वह वैभव कहाँ और वह कभी कहाँ, वह अंग कहाँ और वह रंग कहाँ, अनंग कहाँ वह व्यंग कहाँ। अनंग मतलब होता है कामदेव, तो बसंत ऋतु को कामदेव का अंग कहा जाता है, तब तो कामदेव का भी अंग समाप्त तो हो गया। वह हाव कहाँ वह भाव कहाँ, ना वे अभिक्षाएं रही और ना ही उस तरीके का कार्य करने की एक्शन रही। चेतना की छा छवि छाव नहीं, यहाँ चल रही केवल तपन है, सारा उत्साह समाप्त तो हो गया है। पेज नंबर 180। भोग पड़े हैं यहीं, भोगी चला गया, योग पड़े हैं यहीं, योगी चला गया, कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए, मूल्य किसका, तन का या वेतन का, जड़ का या चेतन का, आवरण आभूषण उतारे गए वसंत के तन पर से, वासना जिस ओट में छिप जाती बसन भी उतारा गया वह, वासना का वासना वास वह, ना तन में है ना वसन में है, वरन माया से प्रभावित मन में है। क्या गहनतम पंक्ति, एक-एक पंक्ति बहुत गहराई में क्या लेके जाते हैं। देखो इन सब परिस्थितियों को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हो रहा है। भोग पड़े हैं यहीं, भोगी चला गया, संसार का सब वैभव यहीं पड़ा है, लेकिन उस वैभव की जो शोभा था चला गया। बेई पेड़ हैं लेकिन वो पत्तियां नहीं रही, लताएं सब लहर रही हैं, फूल समाप्त हो गए। तो क्या लग रहा है, भोग तो है भोगी चला गया। मतलब हम और आप कितना इकट्ठा किए हैं ये सब यहीं पड़ा रहेगा और आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, तो भोगी भोग यहीं पड़े हैं और भोगी चला गया, योग यहीं पड़े हैं और योगी चला गया। सारे योग यहां दिखाई दे रहे हैं लेकिन योग साधना का जो निमित्त करने वाला था वो यहां से छोड़कर चला गया। कितनी सुंदर पंक्ति, अरे कौन किसके लिए, विचार करो पहले, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए। सबको कह रहे हैं आचार्य महाराज विचार करो कि जीवन को सुख और समृद्ध बनाने वाला धन है या धन के लिए ही जीवन है, कि भैया अपना सारा जीवन रुपया पैसे में कमाओ गवा दो, या क्या करना विचार करो। मूल किसका, तन का क्या वेतन का, वेतन मतलब रुपये का, सैलरी का। तो कह रहे हैं मूल किसका बताओ, तन का है कि वेतन का है कि चेतन का है, अर्थात आत्मा का है या जीविका का है। फिर क्या कहते हैं, जड़ का क्या चेतन का, जड़ का है कि चेतन का, मूल किसका है, कीमती कौन है, वासना भी। फिर कहते हैं आवरण आभूषण उतारे गए बसंत के तन पर से, ऐसा लग रहा है जैसे बसंत ऋतु के सारे कपड़े उतार दिए हो, सारे आभूषण उतार दिए। ऋतु के आभूषण क्या थे, वे फूल पत्तियां वे चिड़िया के चहक वे भौरे सब छीन लिए। और क्या हो रहा है, वासना जिसकी ओट में छुप जाती बसन भी उतर गया वह। और क्या कह रहे हैं, कपड़ा किसको चाहिए, जहां वासना है, और जहां वासना नहीं वहां कपड़े की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बच्चे और मुनि दोनों कपड़े नहीं पहनते। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जो वासना छिपी थी वहां कामदेव छिपा था, इसलिए आवरण थे वो सब छीन लिए गए, तो बसन उतर गया, तो वासना कहां बचेगी, सब समाप्त तो हो गए। और उस वस्त्र को भी उतार लिया, और क्या कहते हैं आगे, वासना का वास वह ना तन में है ना वसन में है, वरन माया से प्रभावित मन में है। विषय भोगों की इच्छा ना शरीर में है ना कपड़ों में है, वो तो केवल अज्ञान से प्रभावित माया से युक्त हमारे मन में है।
ये वही पैदा होता है, इसीलिए इसे मनसिज कहते हैं, मनोज कहते हैं, क्योंकि ये मन से उत्पन्न होता है। और आगे क्या कहते हैं, बसंत का भौतिक तन पड़ा है, निराहो निष्क्रिय निरावरण, गंध सून शुष्क पुष्प सा, उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकलती है रसना, उसकी रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है, कुछ कह रही सी लगती है, भौतिक जीवन में रसना और रसना ना सर, यानी बसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की, यही कारण है कि वसंत समजीवन पर संतों का नासर पड़ता है। दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छा सा गया, अब जब उतारा गया वह वसंत के तन पर से कफन कफन कफन, यहाँ गल रही है केवल तपन तपन तपन, बैराग भावना चल रही है। कोई पूछे मूक माटी की बैराग भावना क्या है, मूक माटी की बैराग भावना ये, जीवन में कैसे बैराग आए, पंक्तियां चल रही, गुरु महाराज एक एक स्थिति को समझा रहे, देखो क्या स्थिति है जीवन की। बसंत का भौतिक तन पड़ा है, बसंत का भौतिक शरीर तो यहीं पड़ा है, कैसा हो गया है वो, गंध रहित फूल के समान, निराहो निष्क्रिय कुछ कर नहीं सकता, निरावरण आवरण से रहत, गंध सून शुष्क पुष्प सा, गंध से रहत सूखे फूलों के समान हो गया है, गंध से रहत फूल के समान, निरावरण अचेत मृत पड़ा वसंत ऋतु का पौद्गलिक शरीर, मर गया मानो, जैसे कोई मान वैभव संपन्न कोई चक्रवर्ती के समान वैभव का धारी जीव था, और आज सब पड़ा है, सब पड़ा है, सब पड़ा है, समझ में आया, सा और वा सब पड़ा है, सब पड़ा है शरीर में, सब पड़ा है, बाकी धरती का संपूर्ण साम्राज्य यही पड़ा है, जो भोगने वाला भोगी था, जो योगों में युक्त योगी था वो यहां से चला गया है। और क्या हो रहा है, उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली है रसना उसकी, और उसने कुछ मुख खोला और उसकी रसना अर्थात जीभ बाहर निकलती, बाहर निकलती क्या करती है, कुछ उल्टी, कुछ थोड़ी सी उल्टी पलटी है, अर्थात यहाँ वहां घूमती सी ऐसी लग रही, मानो कुछ कह रही हो। आप कहते हैं क्यों जिब्बा क्यों हिला रहे हो, कुछ कहना चाहते हो क्या, जिब्बा हिल रही है कुछ कहना चाहती, क्या कहती है, कुछ कहती सी लगती है, भौतिक जीवन में रस ना, सुनो भौतिक जीवन में रस अर्थात सुख नहीं है, ये तो कैसा है, काना पोड़ा पड़ा हाथी है चूसे तो रोवे, क्या कह रहे हैं, संसार की दशा कैसी है, कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई मरे तब रोवे, खोटी संपत्ति सो दुख उपजे, को प्राणी सुख सो है, संसार की स्थिति कैसी है, तो कहते हैं सागर के जल सो सुचि कीनी, तो भी शुद्ध न होई, अरे नवमल द्वार स्रवे मिशि वासर, क्या नौ द्वारों से दिन रात निशीवासर स्रवे बहता है, कौन गंदगी, कैसा है शरीर, चाम पींजड़ा देह, और उ भीतर यासम जगत में और नहीं घिनेंगे, ऊपर से तो चामर लगा दिया चमड़ी, और वो भी चमड़ी बहुत सुंदर एकदम अमेरिकन स्टाइल की सुंदरता है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर तो ऐसा है जैसे किसी मल से भरे हुए कुंभ के ऊपर सोने की परत लगी हो, ऐसी स्थिति शरीर की है। तो कितना सुंदर वैराग्य की परिणति यहाँ पे बता कि भौतिक जीवन में रसना और रसना ना सर ना असर और ना सर
सर से रहत, बुद्धि से रहत, ना असर, कोई प्रभाव नहीं है। तो रस ना नाश, यानी वसंत के पास सर नहीं था, वसंत ऋषु के पास दिमाग नहीं था। हाँ, जिसके पास दिमाग नहीं होता वो क्या करता, बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की, उसके पास अपने हिताहित की बुद्धि नहीं थी। जो चला गया सब कुछ यहीं पड़ा रह गया, तो लोग क्या कहते, मूर्ख था क्या, इससे अच्छा तो दान दे देता तो अगले भाव में साथ चला जाता, यहीं छोड़ के चला गया। हाँ, सब छोड़कर चला गया। इसलिए बसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी, उसके पास विचार करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी तो बसंत के समान आकर्षण किंतु नश्वर जीवन का संतों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो कहते बसंत सम जीवन पर संतों का ना असर पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छासा गया, और क्या हो गया, ये क्षण भंगुर जीवन संतों को तो नहीं लुभाता, आकर्षित नहीं करता, लेकिन बाकी सब तो इसी के चंगुल में फंस जाते। अब क्या होगा, बसंत ऋतु मर तो गई है, उसके संस्कार का समय आ गया, दाह संस्कार का वक्त आ गया, और जब बसंत के शरीर पर से केवल कफन भी उतार लिया गया, जब उतारा गया वह बसंत के तन पर से कफन कफन कफन, यहां गल रही है केवल तपन तपन तपन। अब क्या हुआ, शरीर में आग लगा दी, अब आगों की लपटों के उठते ही सब दिखना भी बंद हो गया, सब अतीत की बातें हैं, सब याद हो गई, देखते देखते बस दिखना बंद हो गया, वसंत का सब भी अतीत की गोद में समा गया, वह शेष रह गया अस्थियों का अस्तित्व, और यूं कहती कहती अस्थियां हंस रही विश्व की मूर्ता पर कि जिसने मरण को पाया है उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है, यह अकाट नियम है। सुनो लो कितनी सुंदर पंक्तियां, कह रहे बसंत की अंतिम संस्कार हो रहा है, सब जल रहा है, जलते जलते सब समाप्त तो हो गया, देखते देखते बस दिखना बंद हो गया, बसंत का सब भी अतीत की गोद में समा गया, वह था बस, अब ये कहोगे था फिर क्या होगा, शेष रह गया अस्थियों का अस्तित्व, अस्थियां शेष हैं, और यूं कहती कहती अस्थियां हंस रही हैं विश्व की मूर्ता पर, विश्व की मूर्खता पर अस्थियां हंसती हैं, हंसते हुए क्या कहती हैं, सुनो तुम क्यों रो रहे हो, अरे रोना किस लिए, सुनो जिसने मरण को पाया है उसे जनन को पाना है, जो जो मरा है वो पुनर्जन्म को पाएगा, यहां से गया है अगले स्थान पर उत्पन्न हो गया है, विदिन फोर टाइम्स, तुम तो जलाते समय देर कर दी, उसने तो नया शरीर धारण भी कर लिया है, और जिसने जन्म को पाया है उसे मरण को पाना है, यह अकाट नियम है, अकाटदार जिसको कोई काट नहीं सकता, इसलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, गणना करना संभव नहीं है, अनगिन बार धरती खुदी गहरी गहरी वही वही पर, अनगिन बार अस्थियां दबी, अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन, हमारा दफन ही यह आगामी वसंत स्वागत के लिए बपन बपन बपन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। और क्या हुआ, अनंतों बार पर्यायें पाई, गणना करना संभव नहीं, इतनी बार जन्म हुआ, हाँ क्या हुआ, उसके बाद मरण हुआ, मरण के बाद अनगिन बार धरती खुदी, धरती को खोदा गया, बार बार वहीं वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबिए, और अस्थियों का समूह लेकर उस मिट्टी में दबा दिया गया, अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन। क्या हो, अब ऐसा कोई पुरुषार्थ हो कि अब हड्डियां शेष ना रहें, अब हमें दफन ना होना पड़े,
हम ऐसा परम औदारिक शरीर पाएं कि जन्म तो हो लेकिन मृत्यु ना हो, और मृत्यु हो तो कैसी हो, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। हमारा दफन ही यह आगामी वसंत के लिए बपन बपन बपन, क्योंकि हमें दफन अतः जमीन में गाड़ देना करना ही पुनः आगामी संसार के लिए बीज का बपन है। यहाँ मरा और वहां अगले स्थान पर फिर उत्पत्ति हो गई, यहाँ बोया वहां फिर उत्पन्न हो गया, बस यही चलता रहा। बपन मतलब बोना, यहाँ चल रही केवल तपन तपन तपन। बहुत सुंदर पंक्ति। अब आगे गुरु महाराज उन अस्थियों के माध्यम से संसार की विचित्रता का और दिग्दर्शन आगे कराएं। क्या स्थिति है संसार, हम सब अपने जीवन को इन सब विषमताओं से बाहर निकाल कर समता की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। मूकमाठी महाकाव्य अपने आप में एक अनूठा आध्यात्मिक महाकाव्य है, जब पग पग पर आध्यात्म भरा हुआ है। हम सब उन महाकवि के दिव्य चरणों की छत्र छाया को पाएं और निरंतर अंतरंग मन से भावना पाएं कि हे भगवान क्या अद्भुत अलौकिक साधना रही जीवन की। बपन मतलब बोना होता है, वापिस फिर से बोना, जहां बोगे वहां उत्पन्न होगा। तो अद्भुत कहां साधना थी इन शब्दों को पाया। अब धीरे धीरे खंड दो पूर्ण होने को जा रहा है, 82 पृष्ठ पर हम पहुंच गए और 87 पर ये पूरा हो जाएगा। तो 5 पे पृष्ठ हैं, 1-2 क्लास, उसके बाद आपका खंड 2 पूर्ण होगा। आगे खंड 3 का क्या व्यवस्था वो आपके सामने रखी जाएगी। कल अषाढ़ सुधी पंचमी, इस सृष्टि का सौभाग्य, अजमेर नगर में महा उदय, सूर्य का उदय हुआ जिसने 56 वर्ष तक इस सृष्टि को एक कल्याणकारी महान जिन शासन की ध्वजा पताका दी। हम सब महान सौभाग्यशाली हैं उनके शासन, उनके युग, उनके क्षेत्र, उनके काल में जन्मे, उनके द्रव्य को देखने का सौभाग्य मिला, उनके महान वैभव का अंग बनने का सौभाग्य मिला। हम सब उनके प्रति अपनी कृतांजलियां, विनयांजलियां, श्रद्धांजलियां और समर्पण की अंजलियां उनके चरणों में चढ़ाकर यही भावना भाएंगे कि हे देव अब फिर से कब मिलना होगा ना हमें पता, शायद आपके ज्ञान का विषय हो, लेकिन हम सबकी यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव आप शीघ्र अति शीघ्र अरिहंत पद को प्राप्त करें और हम सब आपके समोशरण में दीक्षा लेकर सब एक साथ मुक्ति को प्राप्त कर भवसागर से पार हो जाएं। आपने अलौकिक अप्रमेय अद्भुत जीवन जिया और अंत में एक अनियत अघोषित अपरिचित और अकल्पनीय समाधि को प्राप्त करके आप हम सबसे दूर चले गए। आप तो दूर हैं लेकिन हमको कभी लग ही नहीं रहा है कि आप कहीं गए हैं। हम सबको तो ऐसा लग रहा है कि मानो आप यहीं पर हैं। कहाँ हैं हम सबकी आत्मा में पलकों पे, कहाँ आंखें बंद करते ही पलकों पर जैसे वे विराजमान हैं, हृदय की वेदी पर वे हमेशा विराजमान हैं और युगो युगों तक कीर्ति पताका के रूप में विराजमान रहे। हमको क्या चाहिए, इस 57वें दीक्षा दिवस गुरु उपकार महोत्सव ज्ञान गुरु की महिमा का ये महान उत्सव हम सबको बड़े उत्साह उमंग और जितना बन सके उतना अधिक से अधिक कार्य करके और इसे मनाने का प्रयत्न करना, अपने अपने स्थान पर इसको करना। मूंगमाटी कलश का यहाँ पे हम डिजाइन बना के आप सबको ग्रुप में भेजना, साथ ही कल दोपहर में गुरु महाराज के जीवन की एक अलौकिक यात्रा आपके सामने रखेंगे। समय वही रहेगा 3:30 से 4:30। ठीक, ओम सिद्धम।